जय हिंद। बुंदेलखंड न्यूज 24 में आप सभी का स्वागत है। न्यूज रूम से मैं आरिफ सिद्दीकी। तो चलिए बढ़ते हैं झांसी से कुछ खास खबरों की ओर। जिला क्रिकेट संघ के तत्वाधान में पूर्व सांसद पंडित विश्वनाथ शर्मा की पुण्य जयंती पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बालाजी रोड झांसी स्थित उनकी समाधि स्थल पर खेल व सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। रेड क्रॉस सोसाइटी के वाइस चेयरमैन सुदर्शन शिवहरे ने कहा कि वैद्य पंडित राम नारायण शर्मा के सुपुत्र के रूप में 19 अक्टूबर 1949 को जन्मे पंडित विश्वनाथ शर्मा ने आयुर्वेद के विकास के साथ लोगों को आत्मनिर्भर होने के लिए हमेशा प्रेरित किया। वह कहते थे कि सरकार की तरफ से बड़े काम करवाने के लिए ही प्रयास करो, छोटे कार्य अपने स्तर पर करवाने में विश्वास रखो। वह 2 बार लोकसभा के सदस्य निर्वाचित हुए और अंत तक गांव-गांव व विभिन्न शैक्षिक सामाजिक खेल गतिविधियों के विकास में तत्पर रहे। जिला क्रिकेट संघ के सचिव ब्रजेंद्र यादव ने कहा कि झांसी में क्रिकेट के विकास के लिए लक्ष्मी व्यायाम मंदिर एवं पंडित विश्वनाथ शर्मा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की सौगात देकर बाबूजी ने क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए खेल मैदान उपलब्ध कराए। बॉक्सिंग प्रशिक्षक एवं रायकवार समाज के अध्यक्ष अखिलेश रायकवार ने कहा कि बाबूजी के सपनों को पूरा करने के लिए उनके सुपुत्र सांसद अनुराग शर्मा लगातार प्रयत्नशील हैं। झोकनबाग व्यापार मंडल के अध्यक्ष जय किशन प्रेमानी एवं लायंस क्लब झांसी विकास की अध्यक्ष वसुधा प्रेमानी ने कहा कि बाबूजी हमेशा ही सामाजिक संगठनों का सहयोग करते रहे। संचालन मनमोहन मनु ने किया। इस अवसर पर संजय कुशवाहा, परवेज खान, महेंद्र, हर्ष याज्ञिक, कुशाग्र आर्य, हेमंत चौहान, शिवम सोनी, मनीष, राजन आदि उपस्थित रहे। अंत में जिला क्रिकेट संघ के सचिव ब्रजेंद्र यादव ने सभी का आभार व्यक्त किया। आपको हमारी यह रिपोर्ट कैसी लगी हमें हमारे कमेंट बॉक्स में आकर बताएं और हमारे इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल बुंदेलखंड न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें।